22 दिसंबर 2022 को इसी मोराबादी मैदान रांची में मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस आदिवासी में बोलते हैं आशा भाषा जीतकर महा एक भव्य आदिवासी दिवस मनाने का हम लोग का योजना है। और इसके लिए हम लोगों ने मैदान की अनुमति के लिए 23 अक्टूबर 2022 को रांची के उपायुक्त को ज्ञापन दिया हुआ है, किंतु अभी तक केवल लटकाने भटकाने की बात पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो कल हम लोगों को जब पता लगा कि ये फिर पहले भी एक बार इन लोगों ने 30 अप्रैल 2022 को हमारे साथ धोखेबाजी किया था, फिर उसी कहानी को एक षड्यंत्र के तहत ये दोहराने की चेष्टा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि कल हम आमरण अनशन राजभवन रांची के सामने करेंगे और झारखंड हाई कोर्ट में भी कल सुबह एक पिटीशन दी जाएगी और आज हम लोग राज्यपाल महोदय को भी मिलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ज्ञापन देंगे। ये जो झारखंड सरकार है, ये जो मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस 22 दिसंबर 2022, इसका मतलब ये है कि 22 दिसंबर 1855 को संताल विद्रोह वीर शहीद सीधो मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था और 22 दिसंबर 1855 को संताल परगना और संताल परगना टेनेंसी एक्ट का गठन किया गया था। ठीक उसी प्रकार 22 दिसंबर 2003 साल को जब हम सांसद थे, मेरे नेतृत्व में संताली भाषा मोर्चा के बड़े आंदोलन से संताली भाषा को भी राष्ट्रीय मान्यता अर्थात 8वीं अनुसूची में सम्मान मिला, मान्यता मिली। तो 22 दिसंबर एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उस दिन को हम लोग रांची मोराबादी मैदान में पूरी तैयारी कर चुके हैं। झारखंड बंगाल बिहार उड़ीसा आसाम से हजारों लाखों लोग आएंगे, नेपाल भूटान बांग्लादेश से भी आएंगे। तो इस स्थिति में हम लोग को लगता है ये जो JMM की सरकार है ये आदिवासी विरोधी है और यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं ज़्यादातर लगता है ये आदिवासी विरोधी हैं, इसलिए हमको ये अनुमति देने में ये लोग लटकाने भटकाने का काम कर रहे हैं। अभी समय करीब आ गया है, हमको बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो या तो ये हमको दे दें कि भाई अनुमति आपको दी जा रही है, या कह दें कि नहीं इस कारण से आपको अनुमति नहीं मिल रही है, इसी चीज़ हो रहा है। लेकिन एक आदिवासी इतिहास का मामला है, मगर यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा ये जो JMM पार्टी है, गुरुजी शिबू सोरेन हेमंत सोरेन, इन लोगों ने कभी भी ये संताल विद्रोह सिधो मुर्मू संताल परगना स्थापना दिवस नहीं बनाया। इन लोगों ने कभी भी संताली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई इसके विजय का दिवस नहीं मनाया। इनको आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए शायद ये सरकार इतने बड़े भव्य इतिहास के मामले पर भी हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। लेकिन हम लोगों को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर पूरा भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी भरोसा है। अब देखते हैं आज शाम तक यदि इन लोग हमको ये सहमति अनुमति नहीं देते हैं तो कल हम लोग आमरण अनशन करें या अनशन करें, लेकिन करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का निवेदन है हमसे कि हम कई बीमारियों से भी ग्रसित हैं, ठंडा भी है, ये नासमझ लोगों के आगे नाक रगड़ना ठीक नहीं होगा, तो सांकेतिक अनशन हम लोग कल कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम उनके तक अपनी भावना को, विरोध को शांतिपूर्ण तरीके से प्रकट करेंगे। इसी के लिए ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।